देखिए दोस्तों इतना लोग इनको सेव करने आए हैं, देखिए कितना लोग हैं साथ में, सर इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जितना भी है ना, जितना भी है इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मोर देन 25-30 लोग आए हुए हैं इनको सेव करने के लिए। ये है यहाँ का जलवा, यहाँ का प्यार। ठीक है, मैं आपको कहा था ना कि यहाँ जो भी जाता है विदेश ना, उनका पूरा फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स पूरा आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सर उनका फ्रेंड्स फैमिली सब हैं, आप देख सकते हैं कितना लोग आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काइंड ऑफ फेस्टिवल होता है, ठीक है, फेस्टिवल की तरह मानते हैं यहाँ पर सारे हैं। ये जितना भी है ना इनका फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, ये सब साथ में आए हुए हैं, इतने भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हेलो गाइस, अशोक हियर। यार आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि मैंने मास्क पहन रखा है, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट है ये, आप देख सकते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे साथ है श्रीकांत और शेफ राजेश और ये उनका फ्रेंड राजशेखर रेड्डी जो उनका फ्रेंड है, सियोप करने आए हुए हैं। और राजेश आज जा रहा है मालदीप, ठीक है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ पर एक और बंदा जो गया था, हरी कृष्णा। तो जब उस समय राजेश आए थे सियोप करने के लिए और श्रीकांत भी आए थे, और आज जब जा रहे हैं अपना राजेश, ठीक है, तब श्रीकांत भी आए हैं, उनके साथ का फ्रेंड आए रेड्डी साहब, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे राजेश से कि राजेश का क्या एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है आज जाने के लिए, और श्रीकांत को कैसा लग रहा है उनका फ्रेंड अजय फ्रेंड, क्योंकि दोस्तों ये लोग बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और फ्रेंड आज उनसे थोड़ा मतलब दूसरा देश जा रहा है, यानी दूर जा रहा है थोड़ा, तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा वो लग रहा होगा कि भाई फ्रेंड मेरा जा रहा है। श्रीकांत आपको कैसा फील हो रहा है जब राजेश जा रहा है? एक तरफ खुशी भी हो रहा होगा, खुशी भी हो रहा है, एक तरफ दुख भी हो रहा है, मिस भी करेंगे, हाँ मिस भी करेगा क्योंकि दोस्त है, हैप्पी है, लेकिन फाइनली हैप्पी है क्योंकि दोस्त जा रहा है फॉरेन कंट्री अपना करियर बनाने के लिए। राजेश व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आई एम वेरी हैप्पी सर। ओके, टुडे ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में भी बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया में पे किया पैसा 2,50,000 पे किया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए 2,50,000 कुछ पे कर रहे थे कोई कंसल्टेंसी को, और न्यू ईडीयू कुछ, हाँ पुणे का कोई कंसल्टेंसी, न्यू ईडीयू कुछ कंसल्टेंसी जहाँ पर इन लोग पे किए थे 2,50,000 और उनका काम हुआ नहीं था, और एक पैसा भी रिटर्न नहीं आया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपका नंबर मेरा शेफ से मिला। अच्छा, इनका शेफ से मेरा नंबर मिला, ठीक है, और ये मुझे कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद इनका दोस्त को पहले भेजा हमने और अभी ये जा रहे हैं, ठीक है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अबाउट योर पेरेंट्स? पेरेंट्स, इनका पेरेंट्स भी आए हैं साथ में, दोस्तों लोग आए कि वहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और श्रीकांत सेकंड वेव के पहले अप्लाई किया था। हाँ हाँ, वो सेकंड वेव सेकंड लॉकडाउन हो गया ना, हाँ प्रोसेस थोड़ा लेट हो गया उस दिन, आपको थोड़ा टेंशन लगा है, ये प्रोसेस भी होगा और डिले इन द सेंस मतलब फ्लाइट ही बंद थे तो जाने कोई मतलब कुछ ये नहीं था, और अभी इनका जो वीजा है अबाउट एक्सपायर है, 10 डेज के 15 डेज के बाद, आफ्टर 7-8 डेज के बाद एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तब ये डर गए थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो टेंशन में थे कि जैसे मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने ऑलरेडी 2,50,000 कुछ लॉस हो गया इनका, ठीक है। तो मैंने कहा कि डोंट वरी, जब से तुम लावण्य ग्लोबल में हो तुम्हारा एक रुपया भी नहीं डूबेगा, डोंट वरी। अब मैंने कोशिश किया कल, और कल इनका सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, इनका अप्रूवल भी आ गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जा रहे हैं राजेश, जरा बताइए। नहीं, हाँ RT-PCR लेके जाएगा, RT-PCR टेस्ट दोस्तों, RT-PCR इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ना, RT-PCR, उसके बाद पासपोर्ट कोविड फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, हाँ कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज हो गया इनका, ओके, वीजा वीजा और क्वारंटाइन अप्रूवल लेटर, अप्रूवल लेटर, ठीक है, क्वारंटाइन अप्रूवल लेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो अगर नहीं है तो आप फंस जाओगे, तो वो लेके जाना जरूरी है। और क्या राजेश, हाँ इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, अगर इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आराम से जा सकते हैं, और राजेश के पास सब कुछ है और राजेश आज निकल रहा है, तो हम कहेंगे राजेश को विश ऑल द बेस्ट राजेश, आप जाके अच्छा करें, ठीक है, लाइफ में अच्छा करें, अच्छा जिए, और आपको जो ऑस्ट्रेलिया का जो सपना है शायद मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपका यूरोप के लिए, जैसे आप 1-2 साल मालदीव करते हैं, देन विल सेंड यू यूरोप, ठीक है। यूरोप में बहुत सारे जगह हैं, जैसे साइप्रस है, माल्टा है, उसके बाद आपका क्रोएशिया है, रोमानिया है, अल्बेनिया है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं यूरोप में, यहाँ पर हम करते हैं, आपको हेल्प करेंगे जरूर जाने के लिए,
ठीक है, तो आप विश करते हैं कि आपका जिंदगी अच्छा हो, आपका परिवार खुश रहे, आप जाके अच्छा लाइफ सेटल करें, ठीक है। नेक्स्ट श्रीकांत आ रहा है बहुत जल्दी, आप श्रीकांत को भी देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपना व्यूअर्स को? राजेश, ओ लावण्या ग्लोबल कंसल्टेंसी है, बहुत अच्छा है। और मेरा शेफ लोग मेरे को 5 साल के पहले बोल दिया, मैं ऑस्ट्रेलिया का पे करने का पहले भी बोल दिया, मैं सोच रहा मैं नहीं, मैं आई एम नॉट बिलीविंग वो कैसा है, मेरे को भी मालूम नहीं है। वो बहुत छोटा कंपनी है ना, पुणे से आया मैं वही सोच रहे पुणे वाला बहुत अच्छा काम कर रहा करेगा, इसलिए ऐसा सोच के मैं पुणे गया, पूरा पैसा पे किया। बाद में आके देखने तक पुणे पूरा लॉकडाउन हो गया, मैं जाने के बाद वो शटर भी क्लोज हो गया कुछ। और मैं पुलिस के पास जाने तो वो लोग बोलेगा आप कंसल्टेंसी में केस फाइल होने तो हाँ अभी क्या आप मालदीव जाएगा इधर फाइल करके जाने तो इधर कौन देखेगा केस? करेक्ट। इसलिए तो अगर आप कहते अगर केस बुक करते हैं तो आप फ्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका PCC नहीं आएगा ना पुलिस क्लियरेंस तब तक बाहर जा भी नहीं सकते, ठीक है। तो एक बड़ा मसला है दोस्तों। तो कभी भी आप यदि कहीं भी कांटेक्ट करते हैं ना तो पहले रिसर्च कर लीजिए अच्छे तरीके से उस कंपनी के बारे में, और बाद में अप्लाई कीजिए ताकि आपका जो प्रोसेस है वो मतलब अच्छा से हो, ठीक है। ऐसे ही किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। कहीं भी जब अप्लाई करते हैं तो उस कंपनी के बारे में 1000 times अपने पूरा जहन में जितना भी रिसर्च करना है पूरा रिसर्च कीजिए, बाद में अप्लाई कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, ठीक है। आई विश ऑल द बेस्ट, जो भी हमें देख रहे हैं वो अगर जाना चाहते हैं विदेश तो आपके ज़िंदगी के लिए आपके इसके लिए हम विश करते हैं कि आप अपने पास का जो कि कंसल्टेंसी है वहाँ पर आप अप्लाई करें रिसर्च करके, ब्लाइंडली जाके किसी को ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि पैसे का मामला है करियर का मामला है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस, रेड्डी साहब थैंक यू सो मच, राजेश थैंक यू, और श्रीकांत थैंक यू सो मच, ठीक है। और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहले बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और थम्सअप राजेश के लिए, रेड्डी साहब के लिए, श्रीकांत के लिए, मेरे लिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपना फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद जय भारत।